सबसे पहले मैं बात करती हूँ, बहुत ही फेमस ऑथर हैं चेतन भगत के बारे में, हम सब ने सुना होगा। सो चेतन भगत की जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। और ये बुक्स, इनके ऊपर कुछ मूवीज बन रखी हैं, इनकी काफ़ी फेमस नॉवेल्स थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे बीच में। तो एक एक करके उनके बारे में जानते हैं, साथ ही इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक पूछे गए थे। सबसे पहले चेतन भगत के थ्रू जो रिटन बुक्स हैं वो हैं हाफ गर्लफ्रेंड, जिसके ऊपर एक मूवी भी हम सबने देखा होगा, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ अगेन इज अ वेरी फेमस नॉवल, 5 पॉइंट समवन इज अगेन इम्पॉर्टेंट, रेवोल्यूशन 2020, टू स्टेट्स अगेन मूवी है, द स्टोरी ऑफ माय मैरिज, वन नाइट एट कॉल सेंटर एंड मेकिंग इंडिया ऑसम। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं पहले भी और रिपीट हो चुके हैं, दैट इज अबाउट थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5.71 एंड रेवोल्यूशन 2020, जो एग्जामिनेशन जैसे हो गए एफकैट, सीडीएस और एनडीए में पहले पूछे जा चुके हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ रेवोल्यूशन 2020 की, तो रेवोल्यूशन 2020 जो है पूछा जा चुका है एफकैट के पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुंधति रॉय, अगेन हमेशा आपने सुना होगा इनके बारे में, न्यूज़ हमेशा ट्रेंडिंग रहती हैं। सो उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उनमें से कुछ फेमस बुक्स उनकी हम बात करते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, वॉर टॉक, ब्रोकन रिपब्लिक 3 एसेज, पावर पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म अ गॉड स्टोरी, लिसनिंग टू ग्रास ऑपर्स, द कॉस्ट ऑफ लिविंग कश्मीर, द केस ऑफ फ्रीडम, पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, शेप ऑफ द बीस्ट, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, अब इनमें से जो बुक्स पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में वो हो गई आपकी एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड, यानी सेकेंड वन, उसके बाद शेप ऑफ द बीस्ट, एंड ऑफ इमेजिनेशन, फिर आपका वॉर टॉक हो गई, कैपिटलिज्म। ठीक है, सो ये तो कुछ बहुत फेमस पॉइंट्स हैं जिनमें कोशिश करिए आपकी इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक्स याद रखिए, क्योंकि ये ट्रेंडिंग ऑथर्स हैं, हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन में फिक्स होते हैं, और स्टैटिक जीके के इनके 1 से 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलते हैं, चाहे वो एफकैट का एग्जामिनेशन हो, सीडीएस का एग्जामिनेशन हो या एनडीए का एग्जामिनेशन। तो हर डिफेंस एग्जामिनेशन में चेतन भगत हो गए, अरुंधति रॉय हो गए, शेक्सपियर हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। बात करते हैं लेट एपीजे अब्दुल कलाम की, इनकी जो फेमस बुक है अभी रिसेंटली काफी एग्जामिनेशंस में पूछी जा रही है सीडीएस और एफकैट में, दैट इज विंग्स ऑफ फायर्स, उसके बाद है इग्निटेड माइंड्स, इंडिया 2020 भी काफी पूछा जा चुका है, इनडोमिटेबल स्पिरिट, बियॉन्ड 2020 अ विजन टुमारो, ये भी एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं साथ साथ हाईलाइट करते चल रही हूँ कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, द साइंटिफिक इंडियन, टर्निंग पॉइंट्स, गाइडिंग सोल, गाइडिंग सोल सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी। ठीक है, सो ये जो 3 बुक्स मैंने बताई ये एफकैट और सीडीएस के एग्जामिनेशन में पहले ही पूछ ले गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, अगर आप उठा के देखेंगे। विक्रम सेठ की बात करते हैं, इनके थ्रू जो फेमस बुक्स हैं, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट उनमें से कुछ फेमस का मैंने कंपाइलेशन किया है जो आपको पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम सारी बुक्स तो डेफिनेटली नहीं याद रख सकते 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में, बट यस कुछ तो रिमेंबर कर सकते हैं, अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, 2 लाइव्स, फ्रॉम हेवन ले एंड इक्वल म्यूजिक, अ सूटेबल गर्ल एट इवनिंग, ऑल यू नो हु स्लीप्स एट टुनाइट, 3 चाइनीज पोएट्स, मैपिंग्स, Humble Administrator's Garden, Beastie Tales from Here and There, The Frog and the Nightingale, The Eagle and the Beetle. So इनका जो famous है that is The Frog and the Nightingale. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के नारायण, मालगुडी डेज रिपीटेड क्वेश्चन है, सीरियस एग्जामिनेशन में यूजली पूछा जाता है, टॉकेटिव मैन, द डार्क रूम, माई डेटलेस डायरी, वेटिंग फॉर महात्मा, द एमराल्ड रूट, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द गाइड, द गाइड जो है एफकैट के एग्जामिनेशन में आया था, नेक्स्ट संडे, स्वामी एंड फ्रेंड, अ राइटर्स नाइटमेयर। ठीक है, सो इसमें से 2 बुक्स मैंने आपके बता दी जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पेपर्स में आए हैं, तो अगर आप ज्यादा ना याद रखें तो कुछ इनमें से
ध्यान रखने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे आपको स्टार्टिंग जीके के टू द पॉइंट पीडीएफ्स मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे, दैट इज www.governmenttrackers.com। वहां पे बिल्कुल स्पेसिफिक प्रिपरेशन मटेरियल मिलेगा, आप किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रिपेयर करो तो आप वहां जाके स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी बहुत नॉमिनल रेट पे चल रहा है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। उसके अलावा आपको बहुत सारी अभी फ्री चीज़ें मिल रही हैं, जैसे न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएगी, तो ये सारी चल रही हैं। आप एक बार जाके साइट पे विजिट करें, इफ़ यू फील लाइक कि हाँ आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें, सो यू कैन हैव इट, और 6 मंथ्स की आपकी कोर्स की जो है वो वैलिडिटी रहेगी। आगे बढ़ते हैं खुशवंत सिंह के बारे में। इनकी जो बुक थी स्पेशली ट्रेन, जो ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी अराउंड 2014 के एरा में, 2014-15-16 में, और उसके बाद जो है इस बुक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, द कंपनी ऑफ वुमेन, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द एंड ऑफ इंडिया, ब्यूरल एट द सी, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, द सनसेट क्लब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, वी इंडियंस, महाराजा इन डेनिम्स। बट मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो एफकैट के एग्जामिनेशन में 3 से 4 बार कॉन्टिन्यूसली रिपीट हुआ है, ठीक है, सो इसलिए ट्रेन टू पाकिस्तान एटलीस्ट आप याद रखिएगा खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट इज सलमान रशीदी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ल्यूका एंड द फायर ऑफ लाइफ, अ फाइन पिकल, द जैगवर स्माइल, इमेजिन देयर इज नो हेवन, फ्यूरी, ग्राउंड बनीथ हर फीट, Enchantress of Florence, Mohandas Gandhi, In the Faith, In the Good Faith, The Synaptic Verse, Moore's Last Sigh, Joseph Anton, A Memoir, 2 years, 8 months and 28 nights, ठीक है, सो ये बुक्स हो गई बाय सलमान रशीदी। नेक्स्ट फेमस ऑथर इज शोभा दे। नाउ शोभा दे की स्टेरी नाइट्स इज अगेन a famous book that is being repeated continuously, Socialite Evenings, Second Thoughts, Shooting from the Hip, Spouse, Strange Obsession, Surviving Men, Selective Memory, Speed Post, Superstar India, Snapshot। तो अगर आप ये सारे के सारे फेमस बुक्स एंड ऑथर्स की जो लिस्ट यहाँ पे कंपाइल जा पाए, अगर आप इसको वंस गो थ्रू कर लेंगे तो आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन दो, इसके बाहर आपको क्वेश्चंस यूजुअली नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी रिपीटेड हो गए हैं और इन ऑथर्स के बाहर कभी भी जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड हर एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। तो ये 2020 तक की अपडेटेड लिस्ट है। नेक्स्ट फेमस ऑथर इज रस्किन बॉन्ड, An Island of Trees, Dust on Mountains, Cherry Tree, A Tiger in the House, Handful of Nuts, Oliver's Diary, School Days, Angry River, A Flight of Pigeons, Blue Umbrella, Rusty the Boy from Hills, 4 Feathers, All Roads Lead to Ganga. So here the famous one is A Flight of Pigeons, ठीक है, यूजुअली जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग एफकैट एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, आपको बताना चाहूंगी कि एफकैट की फ्री क्लासेस चल रही हैं 9:30 PM पे गवर्नमेंट क्रैकर्स में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने एफकैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज ऑल्सो रिटन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, या इनके थ्रू जो बुक्स हैं दैट इज किंग ऑफ डार्क चैम्बर, स्पिरिट ऑफ जापान, The Cycle of Spring, The Sacrifice, Sacrifice जो है वो सीरियस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, The Waterfall, The Immovable, The Broken Nest, The Crescent Moon, Post Office, Kabuliwala again is asked in serious examination, Gitanjali is also asked in FCAT and serious examination, The Home and the World, The Hungry Stones and नेशनलिज्म। सो जो फेमस बुक्स 3 आपको इनमें याद रखनी है एटलीस्ट मिनिमम, दैट इज द सैक्रिफाइस, काबुली वाला एंड गीतांजलि, क्योंकि काफी सुपर हिट रही थी। नेक्स्ट इज झुम्पा लहरी, द नेम सेक, दिस ब्लेस्ड हाउस, अनअकस्टम्ड अर्थ, वंस इन अ लाइफ टाइम, ईयर्स एंड। सो वंस इन अ लाइफ टाइम एंड ईयर्स एंड जो है वो सीरियस और एफकैट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, द चॉइस ऑफ अकोमोडेशंस, The Lowland and Interpreters of Maldives. Next, Amartya Sen.
सो अमर्त्य सेन इज ऑल्सो वेरी फेमस फेमस ऑथर एंड ही इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग. तो अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो फॉर सेड होते हैं. सो इनकी बुक्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं. द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडियन आइडेंटिटी एंड वॉयलेंस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, पोवर्टी एंड फेमाइंस, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ फेमाइंस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज, इंडियन डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इनइक्वालिटी री एग्जामिन, द कंट्री ऑफ फर्स्ट वॉइस ऑन इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज, इंडियन डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इनइक्वालिटी री एग्जामिन, द कंट्रीज फर्स्ट वॉइस. ठीक है, सो ये बुक्स हैं बाय अमर्त्य सेन. नेक्स्ट इज एस नेपाल. A house for Mr. Biswas, a bend in the river, an area in darkness, among the believers, the enigma of arrival in a free state, half a life, a flag on an island, away in the world, gorillas, the mimic men, magic seeds, among the believers, a turn in the south, beyond belief, India, a million mutinies now, the mosque of Africa, India, a bounded civilization. So an area in darkness, a bend in the river, gorillas and half a life. All these questions are asked in the examinations. Taslima Nasreen, French lovers, Lajja, shame, All About Women, The Game in Reverse and Wild Wit. Next is Kuldeep Nair, Beyond the Lines, Indian House, Tragedy of Punjab, The Judgment, Without Fear and The Martyr. So The Martyr पूछा जाता है examination में. Vijay Tendulkar, Five Place, Threshold, The Last Year of Sardar Patel and Kanyadan. So Kanyadan is being asked in examinations. Premchand, the very famous author. Godan, Godan बहुत famous है. Godan पूछा जाता है especially series के examination में क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा confusing है. Then Nirmala, Gavan, Rangbhumi. Rangbhumi भी आपका series के examination में पूछा जाता है. Soje Vatan, A Handful of Wheat, Kayakalp and Karbala. So Kayakalp और Karbala ये दोनों जो है आपके सीरियस के एग्जामिनेशन में पूछे गए. तो यहाँ से चार बुक्स आपको जो है प्रेमचंद की एटलीस्ट याद रखनी है, दैट इज गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प एंड करबला. नेक्स्ट इज रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, डिस्कवर योर डेस्टिनी, डेली इंस्पिरेशन, लीडरशिप विजडम, द सेंट, द सफरर एंड डाई सीईओ, द ग्रेटनेस गाइड. चार्ल्स डिकेंस, इनका भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा और हर एग्जामिनेशन में चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड जो है वो बुक्स पूछी जाती हैं. ओलिवर ट्विस्ट जो है इनकी बुक पूछी जाती है एंड थ्री गोस्ट स्टोरीज, द क्रिकेट ऑफ हर्थ, द बैटल ऑफ लाइफ एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज आर द अदर बुक्स जो आ सकते हैं, बट जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस इंस्ट्रस, दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. सो आनंद मार्ग एग्जामिनेशन एफ कैट और सी डी एस में हमेशा आता है. धर्मतव, डॉन ओवर इंडिया एंड एसेंशियल्स ऑफ धर्म. सो आनंद मत तो हमेशा पूछा जाता है. विकास स्वरूप, स्लम डॉग मिलिनर, फेमस बुक और मूवी भी है इस पे. तो स्लम डॉग मिलिनर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने जो बुक्स लिखी दैट इज सिक्स सस्पेक्ट्स एंड एक्सीडेंटल अप्रेंटिस. नेक्स्ट इज अमृता प्रीतम, पिंजर, अ रेवेन्यू स्टैम्प, नागमणी एंड शेडोज ऑफ वर्ल्ड. सो पिंजर जो है ये पूछा जाता है आपके सीरियस एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर इज मुल्क राज आनंद, अनटचेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द इंडिया थिएटर, सेवन समर, गोल्डन ब्रेथ, कुलीज, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट,
द इंडियन थिएटर, लिटिल प्लेस ऑफ महात्मा गांधी एंड द लॉस्ट चाइल्ड. सो जो लॉस्ट चाइल्ड है वो पूछा गया है एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट ऑथर इज अनीता देसाई. इन कस्टडी, द विलेज बाय सी, क्लियर लाइट द डे, कैट ऑन द हाउस बोट, गेम्स एट ट्विलाइट, द ज़िगज़ैग वे, द पीकॉक गार्डन, डायमंड डस्ट, द स्कॉलर जिप्सी, पीस एंड स्ट्रगल्स इन इंडिया, फायर ऑन अ माउंटेन, फास्टिंग एंड फीस्टिंग. ठीक है, सो फायर ऑन अ माउंटेन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आई हुई है. किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड हुल्लाबलो इन द गुआवा ऑर्चर्ड. कमाला दास, द डिसेंडेंट्स, पद्मावती. बुक इज ऑल्सो देयर एंड मूवी भी बन चुकी है, सो यहाँ पे आपको ये याद रखने की जरूरत है. ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, अ चाइल्डहुड इन मालाबार एंड अल्फाबेट ऑफ लास्ट. अपार्ट फ्रॉम दीज फेमस ऑथर्स, कुछ अदर बुक्स भी हैं जो इंडियन फेमस पर्सनैलिटीज ने लिखे हैं और जिनका रिलीजिंग ईयर बिल्कुल लेटेस्ट है, 2019 के लास्ट में या फिर 2020 के स्टार्टिंग में रिलीज हुए हैं. एंड इस एस्पेक्ट से ये जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो हम उनको भी एक एक करके डील कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2020 में जो बुक्स रिलीज हुई हैं वो आगे एग्जामिनेशन में आपके पूछे जा सकती हैं. तो ये करंट अफेयर्स अब हो गया जो रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स है, तो आपका एक रिविजन भी हो जाएगा. ठीक है, अभी तक वहां तक स्टैटिक जी के हमने डिस्कस कर लिया. अब यहाँ पे आ जाते हैं करंट अफेयर्स में. सो प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी थी, हम सब जानते हैं. द जेड फैक्टर रिलीज बाय सुभाष चंद्रा. ड्रीमिंग बिग, माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, सैम पित्रोदा. ऑन माय टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर बाय पराशर कुलकर्णी. काव एंड कंपनी बाय शरद पवार. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, व्हाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स, हुसैन हकनानी. शशि कपूर, द हाउस होल्डर, द स्टार, असीम छाबड़ा. अमित शाह, कर्मयोदय ग्रंथ, दैट इज बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने बुक रिलीज करी थी, दैट इज कोर्ट्स ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी ब्रेली एडिशन ऑफ एग्जाम वॉरियर्स. वेंकैया नायडू, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग. बाबा रामदेव, माय लाइफ माय मिशन. मीनाक्षी लेखी, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी. डॉक्टर वाई वी रेड्डी, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म. लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, डिफेंस वालों के लिए, डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा डिफेंस रिलेटेड बुक्स आपको जानना जरूरी है. सो लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बुक रिलीज की थी, फायर एंड फ्यूरी कॉप्स, सागा ऑफ वेलोर, फोर्टिट्यूड एंड सैक्रिफाइस. एम वेंकैया नायडू, क्वालिटी एक्रेडिशन एंड रैंकिंग, अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन. नेक्स्ट मलाला यूसुफ, We are displaced. P. Chidambaram, Undaunted Saving Idea of India. Raghuram Rajan, The Third Pillar. Shahid Afridi, Game Changer. Dr. Manmohan Singh, Changing India. Prime Minister Narendra Modi, Timeless Lakshman. Shashi Tharoor, The Paradoxical Prime Minister. Prakash Javarekar, Experimental Learning, Gandhiji's Nayi Taleem. Pranab Mukherjee, The Coalition Years. Sheila Dixit, Citizen Delhi, My Times, My Life. Shashi Tharoor, Why I Am Hindu. Raghuram Rajan, I Do What I Do. V.V.S. Lakshman, 281 and Beyond. Lieutenant General Baljeet Singh, A Tale of Two Victoria Crosses. Maria Sharapova, Unstoppable, My Life So Far. Kiran Rijuju and Holian Lal Gut, Confessions of Dying Mind, The Blind Faith of Atheism. Apart from that, Narendra Modi, Exam Warriors and Saurav Ganguly, A Century is Not Enough.
सो ये सारे बुक्स हमने डिस्कस करे जो स्टैटिक जीके के भी थे और करंट अफेयर्स के थे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. और ये सारी क्वेश्चंस जो हैं वो आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आप और याद कर सकते हैं दैट इज वेरी गुड, बट अगर आप इतना तो मिनिमम आपको याद रख के एग्जामिनेशन में जाना है तो आप इसको ऑन योर टिप्स रिवाइज कर सकते हैं इस क्लास के थ्रू. नेक्स्ट जो लोग एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देयर इज अ क्लास गोइंग ऑन 9:30 PM एवरी डे. आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं whomsoever your friends are preparing for FCAT examination, क्योंकि 9:30 एवरी डे FCAT की क्लास होती है. अपार्ट फ्रॉम देयर अगर आपको किसी भी तरह के प्रिपरेशन की मटीरियल चाहिए जो टू द पॉइंट स्पेसिफिक रिलेटेड टू दैट एग्जामिनेशन हो तो पूरे मार्केट में अभी चीपेस्ट रेट पे ये जो मटेरियल है ये अवेलेबल मिलेगा आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे. आप वेबसाइट विजिट करिए www.governmentcrackers.com और वहां पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट स्पेसिफिक रिलेटेड टू द एग्जाम आपको अवेलेबल मिलेगा. तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे फ्री एड ऑन्स अभी चल रहे हैं, उनके भी जाके आप जो है बेनिफिट्स उठा सकते हैं. जैसे कि आपको 6 months तक का न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड करंट अफेयर्स मैगजीन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 6 months. सो यू कैन हैव दैट. ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.